दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में।
दोस्तों राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है।
यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है
उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है।
राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी
राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी
बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया।
राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है।
उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है।
जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया, तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए। और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है, तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है, उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है, वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है,
तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया, तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए। और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है, तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है, उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है, वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं
कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे
और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं।
साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स
आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं
राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है।
दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में।
दोस्तों राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है।
यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है
उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है।
राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी
राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी
बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया।
राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है।
उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए, और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है।
जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया, तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए। और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है, तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है, उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है, वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है,
तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया, तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए। और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है, तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है, उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है, और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है, वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं
कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए और उनका कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। राम सेतु मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को अपने साथ जोड़े हुए रखती है और बीच में कहीं पर भी उन्हें बोर नहीं होने देती। कुल मिलाकर दर्शकों का कहना है कि राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरटेनिंग है। दोस्तों, अगर आप सभी ने राम सेतु मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को राम सेतु मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि राम सेतु मूवी की स्टोरी, राम सेतु मूवी के गाने, राम सेतु मूवी की डायरेक्शन और ख़ास करके राम सेतु मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं राम सेतु मूवी के डायरेक्शन के बारे में। राम सेतु मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राम सेतु मूवी के डायरेक्टर ने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा है कि राम सेतु मूवी का हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, किसी भी सीन में कुछ भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि राम सेतु मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनके पास सिनेमा जगत का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और राम सेतु मूवी के गानों के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह राम सेतु मूवी के हर एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है और साथ ही राम सेतु मूवी के गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राम सेतु मूवी के एक्टर के बारे में। दोस्तों, राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टिंग की है। लोग अक्षय कुमार के एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार ने राम सेतु मूवी के हर एक सीन में अपना 100% दिया है। दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक स्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राम सेतु मूवी के बारे में। तो राम सेतु मूवी कैसी है और यह आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, राम सेतु मूवी के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राम सेतु मूवी का जो हिंदी वर्जन है वह आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही राम सेतु मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु मूवी की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और राम सेतु मूवी की शानदार स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा राम सेतु मूवी के फैक्ट, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, आज का यह राम सेतु मूवी के रिव्यू का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राम सेतु मूवी के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम सेतु मूवी का यह रिव्यू वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राम सेतु मूवी के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राम सेतु मूवी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम सेतु मूवी को देखने के लिए बेताब हैं। सभी लोगों के जुबान से राम सेतु मूवी के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जहां कुछ लोग राम सेतु मूवी की स्टोरी को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग राम सेतु मूवी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दर्शकों को राम सेतु मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जब राम सेतु मूवी को देखना शुरू किया तब वो राम सेतु मूवी की स्टोरी के साथ शुरू से ही जुड़ गए।